खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से है, जहां देर रात प्रदेश के शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल पहुंचे और उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों में हो रहे विकास कार्यों में देरी को लेकर नाराजगी जताई। वहीं इस बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी और विभाग की जितनी भी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, उनका हितग्राहियों को लाभ मिले, इस बात की समीक्षा की गई है। आज की समीक्षा बैठक में जो मोदी जी की गारंटी है, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी की गारंटी है कि लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, सबके खाते में 2 साल का बचा हुआ बोनस की राशि पहुंचनी चाहिए, महतारी वंदन योजना की राशि सबके खाते में पहुंच जाए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सबके खातों में पहुंचे, डीएमएफ के पैसे का सदुपयोग हो, सीएसआर के पैसे का सदुपयोग हो और विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं में जितनी योजनाएं हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनका हितग्राहियों को फायदा मिलना चाहिए, इस बात की समीक्षा की है और निर्देश दिए हैं कि सरकार की मंशा के अनुरूप और सरकारी कर्मचारी अधिकारी काम करें।